नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSC ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, बात करेंगे हम आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा में आपका फॉर्म निकाला गया है, तो आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप इसका फॉर्म फिल करेंगे, कि कौन सी तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जो है पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या फ़ायदा है, जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस चीज़ की वीडियो आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर आपको बताते हैं इसका फॉर्म फिलअप करने के ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, इसका ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। यहाँ पे अगर इसकी फॉर्म की स्टार्टिंग की बात करें तो 8 सितंबर से लेकर 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, रात के 12 बजे तक। 5 अक्टूबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 रात्रि तक, मतलब आप संशोधित यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, मतलब जिसे बोलते हैं कनेक्शन। 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच आप इसमें फॉर्म में कनेक्शन कर सकते हैं, अगर आपका कोई गलती हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 137 वैकेंसी आपकी, और 18 तारीख से 29 सितंबर के बीच आपकी यहाँ पे फॉर्म की डेट रखी गई है। आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रिलिमिनरी में एग्जाम होएगा, मेन एग्जाम होएगा, टाइपिंग टेस्ट होएगा आपका। दोस्तों, इसमें अप्लाई वो कर सकते हैं जिन्होंने, मान लिया उत्तराखंड से अलग कैंडिडेट है, तो वो वे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने उत्तराखंड से हाई स्कूल एंड इंटर पास किया हुआ है, उनके बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से हाई स्कूल इंटर पास किया गया है, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर अलग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 8 सितंबर से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, 29 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है, और कनेक्शन की आप यहाँ पर डेट दे सकते हैं। एडमिट कार्ड की डेट की बात करें तो 7 से 10 दिन पहले आपका यहाँ पर एग्जाम डेट की एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी, और एग्जाम डेट की बात करें तो 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है। यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है, आप देख लेना वैकेंसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वैकेंसी सबके अलग अलग दे रखी है। यहाँ पे फीस दे रखी है आपकी, फीस कितनी कौन सी वैकेंसी में लगेगी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप जनरल ओबीसी है, जनरल वाले हैं, तो यहाँ पे आपका 222 रुपये लगेगा टोटल, 22 रुपये आपका फीस, और बाकी 22 रुपये अलग से जोड़ रखे हैं, पता नहीं काहे के, वो मुझे पता नहीं है। उत्तराखंड के यहाँ पे 200 रुपये हैं, अगर उत्तराखंड के अदर कैंडिडेट है, उत्तराखंड से अलग कैंडिडेट है, बैकग्राउंड ओबीसी वाले हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 200 रुपये चार्ज, 222 ही रुपये आपका दोनों सेम चार्ज लगेगा। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड इकोनॉमिक्स विभाग से अलग से 200 रुपये, 222 ये भी 222 ही है। अगर उत्तराखंड के निवासी हैं आप, SC ST है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो 80 रुपये आपकी फ़ीस है, 22 रुपये आपका चार्ज है, 102 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा ओनली। ठीक है दोस्तों, आप कैसे इसका फॉर्म करना है आप देख सकते हैं। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते, 5 साल की छूट है, यहाँ पे छूट वगैरह भी दे रखी है आपको। यहाँ पे आपका टाइपिंग बेसिक पे ये टेस्ट है आपका, यहाँ पे 2 घंटे का आपका एग्जाम होएगा, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। चलते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे आप इसका फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। दोस्तों, इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसका लिंक डाल दूंगा पीछे। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे लिख रहा है 187, आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लिंक का, आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम डालना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में नाम है। उसके बाद आपको पिताजी का नाम यहाँ पे, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे आपको नाम डालना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे जो नाम डालना है आपको कैपिटल अक्षर में डालना है, स्मॉल स्मॉल में डालना है, जब भी आपको ये ले पाएगा। अगर आप कैपिटल में डालोगे तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह नहीं ले पाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मदर का नाम डालना है आपको, मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे आप सब चीज़। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, यहाँ पर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए अपना क्या डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जेंडर मेल है फीमेल है, उसके बाद आपका आता है मैरिड, मैरिड है इन मैरिड है, वो सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद आता है नेशनलिटी, इंडियन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में किसी जिला सेवा योजना में पंजीकृत है, अगर है तो यस, नहीं तो नो। क्या आप एक किसी नौकरी में कार्य करते हैं, यस या नो। इसे आप पढ़ लेना। और इसमें क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान में हाई स्कूल इंटर, ये आपको यस करना पड़ेगा जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते। दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है वो आपका आता है यहाँ पे, क्या आपके उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त, यहाँ पे तो हो गया ये वाला क्वेश्चन है, क्या आप या आपके पति पत्नी माता पिता का सेवा कर, तो यहाँ पे आप पढ़ने के बाद आप यस या नो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आती है जाति कौन सी आपके, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है किसने जाति जारी किया वो डालना है आपको। उसके बाद उसका जाति का कब आपका जारी हुआ है वो डालना है। तो दोस्तों अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, जब आपको जाति जारी हुआ है वो डालना है। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है आपको। फिलहाल मैं आप ही आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वही डालिए आप। उसके बाद आपका है यहाँ था है जिला, आपका जिला कौन सा है, तो जिला आप यहाँ पे देख लेंगे जोन से भी आपको जिला है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्या आप एक दिव्यांग है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो। पूर्व सैनिक है, यस नो। अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ के यस या नो आप देख लीजिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपका एड्रेस यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, यहाँ पे आपको स्थान लिखना है, फॉर्म भरने का स्थान। उसके बाद आपका आता है पासवर्ड, पासवर्ड आपको जनरेट करना है, बड़ा कैपिटल बाकी स्मॉल, एट द रेट 1 2 3 4 या 3 4 2 3 या अपना मोबाइल नंबर, इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। और ये वाला कैप्चर आपको यहाँ पर डालना है, एक बार चेक कर लेगा और सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका प्रीव्यू आ जाएगा, एक बार आप अच्छे से फॉर्म को चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद अगर आपको लगता है नहीं मैं कुछ विवरण बदलना चाहता हूँ तो आपको ये सेकंड वाले पे क्लिक करना है, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आपको ये वाले पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले पे, कि मैंने पंजीकरण फार्म भरे द्वारा जाने वाले सभी विवरण सत्यापित कर लिया है और मैं सभी जमा करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए, तो मेरा सब कुछ ठीक है, मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी डालनी है जो आपने फॉर्म भरते टाइम भरा था, या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, इनमें से एक चीज़ दे सकते हैं आप, या तो आप मोबाइल नंबर दे दीजिए या ईमेल आईडी, इनमें से एक चीज़ देंगे। और देने के बाद नीचे जो पासवर्ड बनाया था आपने फॉर्म भरते टाइम, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, और डालने के बाद ये कैप्चर आपको यहाँ पर डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। दोस्तों लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप ऐड करेंगे, सबसे पहले क्वालिफिकेशन प्रकार आपको यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ पे सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल डालनी है। सबसे पहले हाई स्कूल चुनेंगे, चुनने के बाद अब आपको यहाँ पे हाई स्कूल चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम चुनेंगे अपने, स्टेट जहाँ से आपने पास किया। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे आप अपने, मतलब कि बोर्ड का नाम। उसके बाद पासिंग ईयर कब हुई थी आपकी वो डाल देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे हाई स्कूल सब्जेक्ट ये कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके सीजीपीए है या मार्क्स है या ग्रेड है, इनमें से जो भी आप उस पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल नंबर डालने हैं, कितने आपके आए हैं, कितने में से आए थे वो डालने हैं, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं हाई स्कूल की डिटेल आपकी ऐड हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई गलती हो चुकी है या तो आपको यहाँ पे पेंसिंग का ऑप्शन मिला है एडिट का, तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको सब चीज़ ठीक है तो आप ऐसे ही रहने देंगे। ऐसे ही आपको इंटर की डिटेल डालनी है, इंटर चुनेंगे। उसके बाद आपको डिग्री यहाँ पे इंटर आ जाएगा आपका,
उसके बाद आपने कौन सा स्टेट आपका बोर्ड चुनेंगे, उसके बाद आपको बोर्ड का नाम है, उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आपकी, पासिंग ईयर आपने चुनेंगे आप, उसके बाद आपका यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से आपने इंटर पास की थी, एग्रीकल्चर आर्ट कॉमर्स जिससे भी आपने की थी उस पर आपको बस क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका मार्क्स था या CGPA था, ग्रेड था, इनमें से जो भी था वो क्लिक करेंगे। उसके बाद टोटल नंबर डालने हैं और कितने में से आए थे वो डालने हैं, परसेंटेज आ जाएगी आपकी। अब आपको यहाँ पे ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे ऐड कर देना है। अब दोनों की आपकी ऐड हो चुकी है डिटेल, इंटर की और हाई स्कूल की। दोस्तों अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है जैसे कि सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा जो भी आपके पास है उसे आप इस तरह से दोबारा से जो है ऐड कर दीजिए। जैसे मेरे पास ग्रेजुएशन है तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड कॉमर्स, उसके बाद की स्टेट अपना, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आपको डालनी है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा तो आप देख लीजिए आपके कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका जो मतलब कि आपको पता ही है ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके मेन, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं 3 सब्जेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका CGPA ग्रेड है जो भी है इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टोटल नंबर आपके कितने आए थे वो डालना है और कितने में से आए थे वो डालना है। उसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। अभी देख सकते हैं ग्रेजुएशन की भी डिटेल हो चुकी है, मैंने तीनों डिटेल डाल दी है, आपको भी ऐसे डालना है। क्या आपके पढ़ने यहाँ पे आपको यस या नो पढ़ के इसे कर देना है। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे देख लेंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी देख लेंगे। एग्जाम सेंटर के लिए आपको 2 यहाँ पे सेंटर डालने पड़ेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास में है वो आप 3 2 सेंटर आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद नीचे आएगा, नीचे आने बाद यहाँ पे कैंडिडेट आईडी, आपको एक आईडी सेलेक्ट करनी है, वो जैसे कि आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जिनमें से जो भी आपके पास है उसे आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका नंबर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको नंबर डाल देना है अपना, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे फोटो एंड साइन अपलोड करना है दोस्तों। फोटो आपका जो है यहाँ पिक्सल दे रखा है तो इसके पिक्सल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करेंगे, तो फोटो साइन में अपलोड कर लेता हूँ। फोटो साइन अपलोड करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको आपका प्रीव्यू आ जाएगा प्रिंट का। एक बार आप फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप प्रोसेस्ड पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई गलती हो चुकी है या कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप बैक एंड एडिट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें कनेक्शन की कोई भी डेट नहीं है। और दोस्तों सॉरी, कनेक्शन की डेट है 5 से 14 अक्टूबर के बीच आप इसमें कनेक्शन कर पाएंगे अगर आपका कोई गलती हो जाता है। तो फिलहाल आप ऐसा काम करिए जो आपको कनेक्शन करने का नौबत ही ना आए। तो अभी आप अपना फॉर्म अच्छे से चेक कर लीजिए,
ऐसा काम मत करिए जो एडिट करना पड़े। तो जब आपको लगे सब कुछ ठीक है, आपको प्रोशीट पे क्लिक कर देना है। प्रोशीट पे करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं आप। तो आपको अब यहाँ पे पे का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। तो पे का पे आप यहाँ, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अब दोस्तों आपको पे पे यहाँ पर क्लिक कर देना है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं पेमेंट आपका यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब आपको HDFC डेबिट क्रेडिट कार्ड, HDFC डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, आपको चौथा सेलेक्ट करना है। चौथा वाला जो ऑप्शन है ना, 1 2 3 4, ये चौथे वाला अदर बैंक डेबिट कार्ड, ये वाला करना है। अगर आपको नेट बैंकिंग से करनी है नेट बैंकिंग से कर लीजिए, अगर आपको UPI से करना है तो UPI से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अदर नेट में इस पे करा, अदर डेबिट कार्ड पे, तो इस पे आपको पेमेंट आ जाता है कार्ड का, मास्टर कार्ड है, डेबिट कार्ड, रुपया, वीज़ा। आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जैसे वीज़ा कार्ड है, आपको कार्ड नंबर डालना है, उसका नाम डालना है, किसके नाम से अकाउंट है, उसके बाद CV, यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट, CVV नंबर डालना है, बैंक कंफर्म पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद आप अपना प्रिंट आउट जो है ले सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं जो मैंने आपको बताया दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन सभी विद्यार्थियों के पास जो इसमें अप्लाई फॉर्म करना चाहता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया करो। जब भी मैं कोई अगली वीडियो लाऊंगा आपके लिए तो वे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।